दिनांक 6/4/24 की घटना है। ये फरियादी और उसकी पत्नी मालवा एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। मालवा एक्सप्रेस में जम्मू तवी से ये झांसी जा रहे थे। आगरा में खाना खा के सो गए थे। डबरा आने नींद खुलने पर इनको पता चला कि इनका बच्चा 2 महीने का अमन नहीं था। इन्हें तलाश किया, नहीं मिलने पर ये झांसी उतरे और फिर उसके बाद जो है ग्वालियर थाना जीआरपी थाने में इन्हें रिपोर्ट की और उनकी रिपोर्ट पर से अपराध कायम किया गया है। तो अभी कौन जो अभी बच्चे बरामद हो गया था, कौन लेके आया था, कौन आरोपी है? इसमें एक विवेचना में ये पता चला है कि जो 2 दंपत्ति उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, आगरा से चढ़े थे, उनको बच्चा मिला था और उन्होंने 2 दिन अपने पास बच्चा रखा और वो उसे बाद में उन्होंने जीआरपी इंदौर थाने में सुपुर्द किया है। जो अभी मात्र छाया इंदौर में ही अभी बच्चा वहीं पर है, वहीं पर रह रहा है। क्या वजह क्या थी कि उनके बच्चा क्यों किस वजह से गायब हुआ? वजह तो ये है उसमें कि उनका एक लड़का नहीं था, वह एक बच्ची है उनके पास और ये उसमें विशेष संदेह का कारण ये रहा कि उनको भोपाल जाना था लेकिन वो ललितपुर में उतर गए और ललितपुर से उतर के वो बाय रोड जो है भोपाल और फिर भोपाल से इंदौर गए, तो इस वजह से ये मतलब उन पर संदेह हुआ और विवेचना में पाया गया कि उन्हीं की जो है इसकी उनके द्वारा ही अपराध किया गया है। उसे उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया जो जेआर पर है। अभी कुल 3 आरोपी हैं, इसमें 2 महिला एक पुरुष है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।